एक कहानी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के उस दौर की, जब वर्ल्ड क्रिकेट में कंगारुओं का धाक चला करता था। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घमंड में ऐसा चूर हुआ करती थी कि वो किसी भी खिलाड़ी से लड़ने झगड़ने और दबंगई दिखाने में थोड़ा भी नहीं कतराते थे। साल 1999 में जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, तभी अपनी आदत से बाज कंगारुओं ने सौरभ गांगुली से पंगा लेते हुए स्लेजिंग करना स्टार्ट कर दिया था। कंगारू गेंदबाज गांगुली को बच्चा समझकर उन्हें हल्के में ले रहे थे। तब दादा ने मुस्कुराते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अगले ही बॉल पर साइमंस की गेंद पर दादा ने जोर से बल्ला चलाया। हालांकि बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं होता, लेकिन गांगुली के इस आक्रामक अंदाज को देखकर साइमंस आंख दिखाते हुए दादा से कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो दादा के लिए किसी भी अपमान से कम नहीं था। और इस अपमान के आक्रोश में आकर जब दादा ने कंगारुओं पर पलटवार करना शुरू किया था, तो एमसीजी के ग्राउंड पे पूरी दुनिया ने देखा था दादा की दहशत। और गुस्साए दादा ने एमसीजी के मैदान पर ऐसा तांडव मचाया था जिस खौफ और दहशत में आ गए थे ऑस्ट्रेलिया के सारे गेंदबाज। जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 50-50 ओवरों का ये रोमांचक मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के एमसीजी ग्राउंड पर खेला जा रहा था, तब ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐसा रुतबा हुआ करता था कि ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना किसी लोहे के चने को चबाने से कम नहीं था। लेकिन जो बीत गई वो बात गई। नए दौर में नए कहानी के इतिहास को लिखने के इरादे से भारतीय टीम एमसीजी के ग्राउंड में दस्तक देती है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कंगारुओं का मकसद साफ था, पहले बल्लेबाजी कर भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य रखे। और इसी इरादे के साथ मार्कवा और एडम गिलक्रिस्ट की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरती है, जहां जवागल श्रीनाथ एडम गिलक्रिस्ट के लिए काल बनकर उनका इंतजार में खड़े थे। और महज 3 रनों के स्कोर पर ही खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट को आउट करके श्रीनाथ ने भारत को पहली सफलता दिला दी। वही ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर मार्कवा को अजीत अगरकर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। 19 रनों पर 2 विकेट गिराकर भारतीय टीम कंगारू के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। लेकिन तभी मैदान में आते हैं रिकी पोंटिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के ढाल बनकर खड़े हो गए थे। और फिर पोंटिंग ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया। अपने ताबातोड़ बल्लेबाजी और बैक टू बैक बाउंड्री से पोंटिंग ने देखते ही देखते अपना और शतक भी पूरा कर लिया। पोंटिंग के इस तूफानी पारी को रोकने के लिए भारतीय कप्तान सचिन ने 7 अलग अलग गेंदबाजों को आजमा कर देख लिया, लेकिन पोंटिंग ने सभी गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए 115 रनों की बेहतरीन पारी खेल डाली। इसके बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 270 रन का टारगेट भारत के सामने रखा, जो उस दौर में एमसीजी के लंबे चौड़े ग्राउंड पर किसी मैच को जिताने के लिए काफी हुआ करता था। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की टीम में ग्लेन मेगराथ, ब्रेटली और एंड्रू साइमन जैसे घातक गेंदबाज थे जो टीम इंडिया पर कहर बरसाने को तैयार थे। और फिर शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां बीबीएस लक्ष्मण के साथ सौरभ गांगुली टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ही ओवर से ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजों ने आग उगलना शुरू कर दिया था। और पारी के तीसरे ओवर में ही मेघराथ ने लक्ष्मण को मात्र 2 रनों पर आउट करके ऑस्ट्रेलिया को पहली सफलता दिला दी थी। तब गांगुली का साथ देने समीर दिघे मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और समीर दिघे भी बस आए और मात्र 3 रन बनाकर चलते बने। तब भारतीय पारी को संभालने और गांगुली का साथ देने सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट झटक कर कंगारुओं का घमंड सर चढ़कर बोलने लगा था। और इसी घमंड में चूर साइमंस ने दादा से पंगा लेते हुए स्लेजिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन साइमंस का बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए गांगुली ने अगले ही बॉल को हवा में उड़ाकर ऐसा मारा कि बॉल उड़ते हुए बाउंड्री के बस थोड़ा पहले गिरकर चौके के लिए चल जाती है। वहीं अगले ओवर की पहली गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर भेजकर गांगुली ने 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए थे। अभी भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा इजाफा ही हुआ था कि तभी टीम इंडिया की जान सचिन भी मात्र 12 रन की पारी खेलकर रन आउट हो जाते हैं। टीम इंडिया पूरी तरह से
संकट में आ चुकी थी, क्योंकि 17 ओवर में मात्र 68 रन बनाकर भारतीय टीम ने अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। लेकिन तब सौरभ गांगुली को साथ मिलता है राहुल द्रविड़ से, और फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने धीरे धीरे भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। एक तरफ द्रविड़ तो खुट्टा बनकर अपने नजरों को जमा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से गांगुली बॉल पर करे प्रहार कर बाउंड्री में डील करे जा रहे थे। जिस दादा को कंगारू साधारण एक छोटा सा बच्चा समझ रहे थे, वही साधारण सा बच्चा कंगारू पर प्रहार किए जा रहे थे। ब्रेटली हो, मेगराथ हो या साइमंस, दादा ने हर एक गेंदबाज को आड़े हाथों में लेते हुए उनकी कुटैया करना स्टार्ट कर दिया था। और फिर बैक टू बैक बाउंड्री से दादा ने देखते ही देखते अपना और शतक भी पूरा कर लिया था। दादा के इस तबातोर बल्लेबाजी से अब भारतीय टीम मजबूत स्थिति से जीत के राह पर आगे बढ़ रही थी। गांगुली को आउट करने के लिए कंगारू गेंदबाज मचल रहे थे, लेकिन जवाब में दादा ने उन्हें बुरी तरह से पीटे जा रहे थे। गांगुली के हवाई शॉट को देखकर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अपने अधिकांश खिलाड़ियों को बाउंड्री पर लगा दिया था, लेकिन कंगारू फील्डर मैदान में जहां जहां खड़े हो रहे थे, दादा दाएं हो या बाएं हो, फिर उनके ऊपर से बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजे जा रहे थे। और फिर दादा ने MCG के मैदान में तांडव मचाते हुए अपना शतक भी पूरा कर लिया। दादा के इस तूफानी शतक के बदौलत भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में खड़ी थी, क्योंकि दूसरे छोर से राहुल द्रविड़ ने भी अपना और शतक जमा दिया था। लेकिन तभी घटती है वो घटना जो इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। शतक लगाने के बाद गांगुली रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं, और गांगुली के विकेट के बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों के तरह ढहने लग जाती है, और अंततः भारतीय टीम 241 रनों पर ही सिमट जाती है। लेकिन गांगुली ने MCG के ग्राउंड पे उस दिन ऐसा तांडव मचाया था जिसने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के घमंड को निस्ते नाबूद करके रख दिया था। तो दोस्तों, टीम इंडिया के दादा और बंगाल टाइगर के तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।